ऊपर के बाल तो इतने जल्दी बढ़ते हैं नहीं जितना नीचे के बाल बढ़ते हैं। शायद ग्रेविटी उनपे ज्यादा काम करती होगी। नहीं, Hey guys, welcome back to my channel, और मैं हूं राबिया। और इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ स्किन केयर का एक और पार्ट, लेकिन वो आपके फेस का नहीं है। ऊपर से तो आप इतना ध्यान देते हो, लेकिन नीचे अंदर क्या चल रहा है भाई, ध्यान देते हो या नहीं? प्यूबिक हेयर को रिमूव करना हमारे हाइजीन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसलिए इसको टाइम टू टाइम रिमूव किया करो। लेकिन प्यूबिक हेयर से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी, जो आप जान के हैरान हो जाओगे। सबसे पहला, आपको लगता होगा कि आपके स्कैल्प में यानी कि आपके सिर्फ बालों में ही जुएं पड़ सकती है, लेकिन नहीं, आपके प्यूबिक हेयर में भी जुएं पड़ सकती है, तो प्लीज इसको रिमूव किया करो टाइम टू टाइम। दूसरा, प्यूबिक हेयर जरूरी भी है क्योंकि ये आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी कि एसटीडी से प्रोटेक्टेड रखते हैं। आपके जो मेल पार्टनर्स होते हैं उनसे जो बैक्टीरियाज हमारे प्राइवेट पार्ट में जाते हैं, हमारे वजाइना में एंटर हो सकते हैं, उसको ये प्यूबिक हेयर प्रिवेंट करते हैं एंटर होने से, जिससे हमको इन्फेक्शन वगैरह नहीं होते, तो उससे ये प्यूबिक हेयर आपको प्रोटेक्टेड रखते हैं। अमेजिंग। तीसरा, मैं आपको ये बताती हूँ कि जो प्यूबिक हेयर की लेंथ होती है ना, ऐसा नहीं कि आप उसको अगर कट नहीं करोगे तो वो बढ़ बढ़ के पूरा जमीन तक आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। उसकी लेंथ जो है वो लिमिटेड है, यानी कि उसकी जो ग्रोथ है वो लिमिटेड है। भले से आप उसको कट करो नहीं करो, एक पर्टिकुलर लेंथ पे आके वो स्टॉप हो जाएंगे, उसके बाद वो नहीं बढ़ेंगे, ठीक है? और वो पर्टिकुलर लेंथ भी बहुत गंदी लगती है, तो इसीलिए प्लीज अपने प्यूबिक हेयर को आप टाइम टू टाइम रिमूव कर लिया करो। इसको रिमूव करने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको वैक्सिंग ही सजेस्ट करूंगी, लेकिन हर कोई इसको कर नहीं सकता क्योंकि हर कोई इतना ओपन नहीं होता है बिकनी वैक्स के लिए। तो ज्यादातर लोग जो करते हैं वो है शेविंग, और उसमें से ज्यादातर लोग इसको गलत तरीके से करते हैं। सो अगर आप ही प्यूबिक हेयर को शेव करते हो तो इस वीडियो से आप सीख सकते हो उसको शेव करने का ऐसा सही तरीका जिससे आपके बालों की ग्रोथ सॉफ्ट होगी, आपको वो पोकी पोकी हेयर की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका जो प्राइवेट पार्ट है वो डार्क नहीं होगा, वो लाइट होगा, और आपके बालों की ग्रोथ भी रिड्यूस होगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला स्टेप, अगर आपके बाल बहुत ज्यादा पड़े हैं तो उसको डायरेक्टली शेव मत किया करो, उसको पहले ट्रिम करो। इससे आपके बाल रेजर में उलझेंगे नहीं और आपको शेविंग करने में आसानी होगी, आपको क्लोज शेव भी मिल जाएगा। डायरेक्टली आप शेव मत करो, स्पेशली अपने प्यूबिक हेयर को एक्सफोलिएट करो। और इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी DIY स्क्रब, जिसके लिए आपको लेना है थोड़ा सा कॉफी पाउडर, और इसमें आपको ऐड करना है थोड़ा सा शुगर, थोड़ा सा बेसन, और ऐड करें थोड़ा सा हनी। इसको अच्छे से मिक्स करें, कंसिस्टेंसी के लिए इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें। इस स्क्रब को लेके आप अपने प्राइवेट पार्ट पे, अपने प्यूबिक हेयर पे अच्छे से रब करें। इससे आपके क्लॉग्ड हेयर फॉलिकल्स रिमूव होते हैं, जिससे आपको इनग्रोन हेयर्स की, बाल तोड़ वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरा, आपके जो डेड सेल्स है वो रिमूव हो जाते हैं, आपकी स्किन इससे स्मूथ और सॉफ्ट हो जाती है। तीसरा, ये जो स्क्रब हमने यूज किया, इससे आपका जो प्राइवेट पार्ट है, जो आपका प्यूबिक एरिया है, वो लाइटन होता है। तो इसीलिए इसको अच्छे से रब करें कुछ देर के लिए, और उसके बाद में आप इसको वॉश कर लीजिए। तीसरा स्टेप ऑप्शनल है, ये वो लोगों के लिए जिनके प्यूबिक हेयर बहुत ज्यादा हार्ड आते हैं, थिक आते हैं, और उनको शेव करते वक्त बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है, कट्स वगैरह हो जाते हैं, इरिटेशन होती है, और अच्छे से वो शेव नहीं कर पाते, तो उनके लिए ये टिप है कि शेविंग करने से पहले आप एक टब में थोड़ा सा गर्म पानी डालें और इस तरह से आप उसमें बैठ जाए, ताकि आपका वो एरिया जो है वो पानी में अच्छे से सोक होने लगे। इससे आपके हेयर फॉलिकल्स बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, आपके बाल जो है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, आप आसानी से अब शेव कर पाओगे, आपको ना कट्स की प्रॉब्लम होगी, ना वुंड्स होगा, ना स्किन इरिटेशन, ना रेजर बर्न, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके बाल बहुत ज्यादा थिक आते हैं और दर्द होता है शेव करते वक्त। उसके बाद अब आप शेव कर सकते हो। शेव करने के लिए आपका रेजर बिल्कुल क्लीन होना चाहिए और बिल्कुल शार्प होना चाहिए। अगर आप डल रेजर से करोगे तो इससे आपको स्किन इरिटेशन, बम्प्स और रेजर बर्न की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप शेव कर रहे हो और आपको बहुत ही रफ लग रहा है वो आपके स्किन पे, आपके बाल इससे उखड़ ज्यादा रहे हैं शेव होने से ज्यादा, मतलब आपको जो उसका ब्लेड है वो चेंज करने का टाइम आ गया है, और अगर पॉसिबल हो तो अपने प्यूबिक एरिया का जो ब्लेड है वो और अपने बाकी बॉडी पे अगर आप शेव करते हो तो इन दोनों का ब्लेड अलग रखो। ये और ज्यादा हाइजीनिक होता है और ज्यादा सेफ होता है, क्योंकि इससे जो बैक्टीरिया है वो एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड नहीं होंगे। तो अब आप शेव कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको अप्लाई करना है एक शेविंग क्रीम, क्योंकि इससे आपको शेविंग करने में आसानी होती है, स्मूथली कर सकते हो और इजिली रिमूव कर सकते हो, और कोई आपको जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं होगी, जलन वगैरह नहीं होगी। तो इसके लिए आप DIY शेविंग क्रीम बना सकते हो अपने घर पे, और इसके लिए आप या तो कोई लिक्विड सोप लीजिए या फिर आप कोई नॉर्मल सोप लीजिए। यहाँ पे मैं डव का सोप ले रही हूँ क्योंकि बहुत ही मॉइस्चराइजिंग है, इसमें ऑलरेडी मिल्क होता है, तो इसलिए बेस्ट सोप है जिससे आप शेविंग क्रीम बना सकते हो। इसको आप डबल बॉयलर पे रख के मेल्ट कर लीजिए, फिर इसमें डाले थोड़ा सा हनी, और इसमें डाले थोड़ा सा कोकोनट ऑयल,
इसको अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। और ये रेडी हो गई आपकी शेविंग क्रीम। आप नॉर्मली जो सोप होता है वो भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये शेविंग क्रीम यूज करने का फायदा ये है कि इससे आपकी स्किन मॉइस्चराइज होगी, सॉफ्ट होगी, स्मूथ होगी, प्लस आपको शेविंग करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो शेविंग करने से पहले इसको अच्छे से अपने प्यूबिक एरिया पे अच्छे से अप्लाई कर लीजिए और उसके बाद में आप शेव करें। शेव करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है उसका डायरेक्शन, बालों की ग्रोथ की डायरेक्शन में ही आपको शेव करना है। अगर आप और ज्यादा क्लोजर शेव चाहते हो तो एक बार हमने बालों की ग्रोथ की डायरेक्शन में किया है, दूसरा शेव आप बालों की ग्रोथ की अगेंस्ट यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में करो। शेविंग क्रीम जो हमने डीआईवाई शेविंग क्रीम बनाई है वो अप्लाई करो और ऑपोजिट डायरेक्शन में करो इससे, क्योंकि हमने इतने सारे प्रोसीजर किए हैं, इतने सारे स्टेप्स हमने फॉलो किए हैं, ऑफकोर्स आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ये करते वक्त। इस शेविंग क्रीम का फायदा यह है कि ये मॉइस्चर को मेंटेन करके रखेगा, आप ब्लेड को आसानी से अपने स्किन में अच्छे से मूव कर सकते हो, आपको कट्स नहीं होगा, इरिटेशन नहीं होगी, जलन नहीं होगी, रेसर बर्न नहीं होगा और इनग्रोन हेयर्स की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। सेम एरिया पे अगर आपको फिर से शेव करना पड़ रहा है तो फिर से आप शेविंग क्रीम अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे आपने सारे बालों को रिमूव कर लिया, आपकी शेविंग का प्रोसीजर यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको मॉइस्चराइज करना है। अगर आप अपने बालों की ग्रोथ को रिड्यूस करना चाहते हो तो शेविंग करने के तुरंत बाद आप फिटकरी और रोज वाटर का मिक्सचर बनाओ और इसको लेके आप अपने प्यूबिक एरिया पे जहाँ पे भी आपने अच्छे से शेव किया है वहाँ पे अप्लाई करो। तो उन पर इससे आपको कोई जलन वगैरह नहीं होगी, इनफैक्ट आपकी बालों की ग्रोथ इससे रिड्यूस होगी, धीरे धीरे होगी, एक साथ नहीं होगी, आपकी बालों की ग्रोथ इससे रिड्यूस भी होगी और रोज वाटर आपके जो हमने शेव किया है उसको वो सूद करेगा, टोन करेगा और आपकी स्किन को और भी ज्यादा सॉफ्ट रखेगा। ठीक है, उसके बाद में फाइनल स्टेप होता है आपका मॉइस्चराइजेशन और इसके लिए आपको कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर जो आप यूज करते हो वो करें, नहीं है तो कोकोनट ऑयल लेके वहां पे अच्छे से रब कर लीजिए, इससे आपकी स्किन जो है परफेक्टली मॉइस्चराइज हो जाएगी, जो बहुत ही जरूरी है। और मैं आपको एक एडवाइस ये करूंगी कि एटलीस्ट एक घंटा आप कोई टाइट फिटिंग क्लोथ्स ना पहने, उसको वो एरिया को एक घंटे के लिए एटलीस्ट रिकवर होने दें, उसके बाद में आपको जो पहनना है वो पहन सकते हो। यहाँ पे आपका शेविंग का प्रोसीजर कंप्लीट होता है। आपको बहुत लगता होगा ना कि ये कितना ज्यादा तामझाम है, लेकिन करने के लिए आपको सिर्फ ये आधा घंटा लगेगा, बहुत से बहुत 25 से 30 मिनट। इसको आप कोई रोज रोज तो करोगे नहीं, 8-10 दिन में या 10-15 दिन में आप अगर आप एक बार भी करते हो तो आधा घंटा अपने प्राइवेट पार्ट को देना, अपनी हाइजीन को देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और एक लास्ट फैक्ट अपने प्यूबिक हेयर के बारे में सुनते जाओ, आपके सर के बाल जल्दी सफेद या ग्रे हो सकते हैं लेकिन आपके प्यूबिक हेयर जल्दी ग्रे नहीं होते। जितनी भी अच्छी चीज है ना वो सारे नीचे के बालों के लिए ही है, ऊपर के लिए तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है ना। सो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो, अगर आप ऐसे और भी बहुत सारे टॉपिक्स चाहते हो या ऐसे टॉपिक्स पे आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी गर्ल फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलूंगी मेरे अगले वीडियो में ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के साथ में जो आपकी लाइफ को करेंगे और भी ज्यादा आसान। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।